हेलो दोस्तों, आप तो जानते हैं सलार और डंकी दोनों एक साथ लॉन्च हुए थे। सिर्फ एक दिन आगे पीछे ये रिलीज किए गए थे, मगर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि सलार कितना कमाई और डंकी कितना कमाई। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये डंकी जो है फिल्म रियल लाइव स्टोरी पे आधारित है, जो कि डंकी स्टाइल में बॉर्डर क्रॉस करते थे उस पर ये आधारित है। चलिए पहले मैं आपको बता दूं इसके कमाई हुए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूं। सुपर स्टार प्रभास का जो फिल्म है 22 दिसंबर को रिलीज की गई थी, जो कि दो दिन की कलेक्शन कितना हुआ मैं आज आपको बताने वाला हूं। सलार ने ओपिनियन डे पर दुनिया भर में 178.7 करोड़ का कलेक्शन किया। इसमें से 90 करोड़ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर से है। और मैं आपको बता दूँ, शाहरुख खान की जो फिल्म थी पठान, जवान सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सलार ने। साल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। शाहरुख खान का जो कलेक्शन है डंकी ने 29.20 करोड़ से ओपनिंग करके दूसरे दिन 20 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर बता दें इसके व्यूवर्स की रेटिंग, तो जो ऑडियंस रेटिंग है जो डंकी का है 3.9 स्टार दिया गया है। और वहीं बात करें सलार की, तो इसमें आपको मिल जाते हैं जो 4.4 का स्टार, इसमें आपको ऑडियंस का रिटेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आप इन दोनों में से कौन सा फिल्म देखे हैं कमेंट में जरूर बताइए, आपको अच्छी लगी कि बुरी लगी। और इसके जो कलेक्शन है आप देख सकते हैं, इसके जो लिस्ट जवान के आ गए हैं पठान के, जीरो, जब हैरी मेट जेलर्स, रईस, इसमें सब कलेक्शन दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट कलेक्शन पे आपको मिल जाता है जवान की, जो कि 75 करोड़ है, मगर उसका भी सलार रिकॉर्ड तोड़ चुका है, 90 करोड़ इंडियन में पहले ही बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए है। शाहरुख खान की फिल्म की जो लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट है। दैनिक भास्कर ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिए हैं। वहीं बात करें प्रभास की जो फिल्म में सलार है, उसका जो लेंथ है 2 घंटे 52 मिनट है। और दैनिक भास्कर ने फिल्म को 5 में से 3 से 4 स्टार देने की घोषणा की है। डंकी का जो कलेक्शन है रहा है अब तक का, पहले दिन 29 करोड़, दूसरे दिन 34 करोड़, तीसरे दिन 23 करोड़ का एक कलेक्शन कर चुका है। अगर टोटल कलेक्शन निकाले तो इसमें आपको 58 करोड़ का, इसमें आपको 58 से 65 करोड़ का एक कलेक्शन अभी तक कर चुका है, जो कि 2 से 3 दिन का मैंने आपको कलेक्शन बताया। अगर बात करें सलार की, तो काफी अच्छी खासी ये कलेक्शन कर चुका है। पहले दिन जो है 160 से 70 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि विदेश और देश में दोनों का मिलाकर। और बात करें सिर्फ अपने देश की, तो वो 90 करोड़ पहले दिन ही कमा ली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और सबके रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि 70 करोड़ 75 करोड़ सिर्फ आपको मिल जाते थे जवान का, वो भी रिकॉर्ड सब टूट गए हैं। और टोटल इसका जो कलेक्शन है, जो कि 70 करोड़ अभी इस बार भी मान लीजिए, दूसरे तीसरे दिन का भी दोनों मिलाकर ये आपको 200 करोड़ पार कर जाएगी 2 से 3 दिनों में। आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट में जरूर बताइए आपने कौन सा मूवी देखा अब तक। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए।